सफाई दूत के तौर पर पहचाने जाने वाले और निरंतर शहर को साफ रखने में जुटे नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर नरोत्तम भार्गव ने सब्जी मंडी की स्वच्छता अभियान का निरीक्षण कर मंडी प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इको ग्रीन कंपनी से अनुबुद्ध होने के बावजूद कचरा गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई तो नरोत्तम भार्गव ने इको ग्रीन कंपनी को मौके से ही तत्काल कचरा वाहन लाने के आदेश दिए। वहीं मंडी सचिव खुद हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए। उनके साथ मंडी के कर्मचारी, व्यापारी, किसान भी सफाई में जुटे रहे। मंडी सचिव देवेंद्र जादुम का कहना था कि यदि इसी तरह से सभी लोग सफाई में अपना योगदान देते हैं तो मंडी के साथ पूरा शहर भी स्वच्छता में अग्रणी होगा। हमनीपुर में भी कलेक्टर सर, कमिश्नर सर के साथ मंडी में व्यवस्थाएं की थी और मंडी सचिव भी उस समय उपस्थित थे, आज भी हैं। आज आपने फिर से एक अभियान के तौर पे सफाई व्यवस्था यहाँ संचालित की है। नगर निगम उसमें पूरा सहयोग पहले भी करता रहा है, अभी भी कर रहा है। आपके पूरा वेस्ट कलेक्शन के लिए हमारी कंसेशनायर कंपनी इको ग्रीन के साथ एग्रीमेंट है, तो किसी भी तरह का वेस्ट गार्बेज रोड पर नहीं आना चाहिए, मंडी में ज़मीन पर नीचे नहीं आना चाहिए। इसके लिए पहले भी आपको बताया गया, आज फिर से चर्चा की गई है कि उसमें सहयोग करें और जितना भी वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोजल के लिए यहाँ से भिजवाएं। और कुछ टॉयलेट और उनके आसपास गंदगी पाई है तो मंडी सचिव से चर्चा हुई है, उसके बाद हम उसे और व्यवस्थित करेंगे जिससे हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। मंडी की जो बाउंड्रीज है वहाँ पर दूसरी बात व्यापारियों का जो यहाँ उनका भी ज़्यादा ध्यान नहीं है। आज हमने मंडी सचिव और व्यापारी प्रतिनिधि व्यापारीगण से समक्ष में चर्चा की है, आवश्यकता हुई तो तत्काल मीटिंग करेंगे। जो इनकी नई मंडी बन रही है वो निर्माणाधीन है और जो पुरानी मंडी जहां अभी संचालित है वहां जगह जगह बाउंड्री टूटी हुई है, तो वहां से आवारा मवेशी भी आते हैं, गंदगी भी रहती है, तो उसको आज बंद करने के लिए कहा गया है। उसको बंद करें और जितनी एंट्री और एग्जिट हैं उन पर काऊ कैचर लगाएं, ये बात आज की है। और तो कैसी जंग लड़वा रहा। आज आपने स्वच्छता अभियान चलाया है, किस तरीके का रहा, कैसे क्या? स्वच्छता अभियान मध्य प्रदेश हमारे ग्वालियर में स्वच्छता सर्वेक्षण अभी होने वाला है, तो उसके लिए कलेक्टर साहब के जैसे निर्देश थे, हम पूरी तरह से पूरी ताकत झोंक रहे हैं मंडी को स्वच्छ बनाने के लिए। सभी व्यापारियों को, कर्मचारियों को इकट्ठा किया था, नगर निगम का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, वो हमारे साथ हैं, हम स्वच्छ मंडी को स्वच्छ बना के रहेंगे। हमारा केवल प्रॉब्लम है फंड की, फंड नहीं है, चारों तरफ से बाउंड्री टूटी है, गायें आ जाती हैं, गायों को काफ़ी भगा रहे हैं, कुछ अभी भिजवाई हैं गौशाला के लिए भिजवा दी गई हैं, तो उससे हमें अभी काफ़ी इसमें आज से नया साल शुरू हो रहा है, तो उसमें व्यापारी और जो किसान यहाँ पर आते हैं बिल्कुल सबको प्रेरित करेंगे, जगह जगह उनको वो स्लोगन लिखवा दिए जाएंगे, कोई कहीं गंदगी नहीं करे, और CCTV भी लगा रहे हैं, नाले की तरफ भी बाउंड्री करके उसको सफाई करवा रहे हैं, और सभी व्यापारियों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो स्वच्छता अपने ग्वालियर की है, इसको सभी मिलकर करें। किसानों को भी समझाएंगे, जो लोग वहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, गंदगी कर रहे हैं, तो उसको ठीक करवा रहे हैं। ग्वालियर मंडी में जिस तरह से कचरा होता है वो तो लगातार बना ही रहेगा, इसके लिए कहाँ स्टोर रखने की? ग्वालियर मंडी में जो कचरा होता है उसके लिए उसके लिए इको ग्रीन कंपनी से हमने अनुबंध कर लिया है, वो पर डे गाड़ी आएगी उनकी, यहाँ से कचरा लेके जाएगी। अभी भी उनसे बात हो गई है, कल से गाड़ी उनका आना शुरू हो जाएगी और सारा कचरा जो है वहाँ चला जाएगा।